हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुलवेद और आप देख रहे हैं प्लांट नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों रोज़ के फर्टिलाइज़र के बारे में। दोस्तों मैं आज आपको रोज़ के फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा। 3 से 4 वैरायटी के फर्टिलाइज़र हैं जिनको आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ आज समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे और किस तरीके से उसको डालना है, कौन से पौधे में कितना फर्टिलाइज़र आप डालेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं किस तरीके से हमें उस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। और चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कौन से फर्टिलाइज़र को आपको किस तरीके से डालना है और किस तरीके से इसको यूज़ करना है। दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरी देखना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करें, ये NPK खाद जो होता है हमारा, यूरिया बोलते हैं जिसको, ये जो हमारी गेहूँ की फसल होती है उसमें भी ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है, हम इसका भी यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसकी क्वान्टिटी बताऊँगा कि एक प्लांट्स में आपको कितनी क्वान्टिटी में इसको डालना है और कौन सा हमको फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ करना है। सबसे पहले हम बात करें इसकी यूरिया की। दोस्तों ये इसका जो आणु सूत्र होता है NH2CO, इसका आणु सूत्र होता है जो ये पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसको अपने किसी भी पौधे में ज़्यादा डाल दिया तो आपका पौधा बिल्कुल डैमेज हो सकता है, मर सकता है, इसलिए हम आपको बताएंगे कितना इसको यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे फर्टिलाइज़र की, जो हमें दूसरा फर्टिलाइज़र यूज़ करना। और दोस्तों हमें दूसरा फर्टिलाइज़र हमें लेना है कैल्शियम। ये आपको कैल्शियम भी दो वैरायटी में देखने को मिलेगा। कैल्शियम जैसे आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का कैल्शियम होता है और एक दूसरा कैल्शियम होता है वाइट कलर का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसका जो काम होता है कैल्शियम का, बहुत ही अच्छा काम होता है, ये बहुत पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों इससे हमारे पौधे में ज़्यादा ग्रोथ होती है और हमारे पौधे की जो मोटाई होती है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है इसकी मदद से। दोस्तों इसको भी हम बताएंगे किस तरीके से इसको भी यूज़ करना है। और अब मैं आपको दूसरे कैल्शियम दिखाता हूँ जो हमारा वाइट कलर का कैल्शियम है। और चलिए दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का कैल्शियम है। दोस्तों ये आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पे मिल जाएंगे, ये कैल्शियम के नाम से ही आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट फर्टिलाइज़र की हम बात करते हैं, ये जो डाई के नाम से जाना जाता है और इसके जो है हमारा इफ़को कंपनी का ये खाद है, NPK नाम से जाना जाता है और इसका भी काफ़ी अच्छा काम है। इसको भी हम यूज़ करना बताएंगे किस तरीके से, इसकी कितनी क्वांटिटी में आपको इसको यूज़ करना है। और अब हम चलते हैं दूसरे फर्टिलाइज़र की ओर। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र की, ये जो आपको रेड कलर का फर्टिलाइज़र दिख रहा है ये रिजोनिल नाम से आता है और ये रिजेंट का फर्टिलाइज़र है जो गुलाब के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है गुलाब के पौधों के लिए। गुलाब के पौधे पर फूल नहीं आते तो उसको ये काफ़ी हद तक ये फूल आ जाते हैं काफ़ी अच्छे से। इसको अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपके पौधे पर बहुत अच्छे फूल आएंगे और आपका पौधा जो है फूलों से भर जाएगा, काफ़ी अच्छा है ये। दोस्तों इसको अगर आप सिंगल यूज़ कर सकते हैं, इसको डाई जो हमारी होती है NPK खाद उसमें मिलाकर इसको यूज़ करना है। मैं बताऊंगा आपको कितनी क्वांटिटी में इसको यूज़ करना है, ये काफ़ी अच्छा खाद है। दोस्तों रिजेंट के नाम से आता है, ये भी आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर मिल जाएगा, पौधे की ग्रोथ के लिए ये काफ़ी अच्छा खाद है। और अब हम बात करते हैं दूसरे फर्टिलाइज़र की। और चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस खाद की, इसके को आप सभी जानते होंगे, ये हमारा काउडक के नाम से जाना जाता है और ये बिल्कुल नेचुरली खाद होता है और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है गुलाब के पौधे के लिए। ये खाद लेनी है आपको, बिल्कुल इसको देख सकते हैं, बिल्कुल जो हमारा गला हुआ खाद होता है वही आपको इसको यूज़ करना है आपके गुलाब के पौधों के लिए। ये किसी भी पौधे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये सभी पौधों के लिए काफ़ी अच्छा खाद माना जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल नेचुरल होता है, इसको आप किसी भी पौधे में यूज़ कर सकते हैं और अगर आपने इसको थोड़ा ज़्यादा भी डाल दिया क्वांटिटी में तो भी चलेगा, ये कि आपके पौधों में ज़्यादा नुकसान नहीं देता। लेकिन अगर आप किसी पौधे में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसकी मिट्टी के अकॉर्डिंग आप लिए आपको इसको 20 से 25% ही इसको यूज़ करना है। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं किस तरीके से इन खातों को यूज़ करना है और हमको किस क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमारे पौधों को आप देख सकते हैं, ये हमारे पौधों की ग्रोथ है जो काफ़ी अच्छे से, हमारे पौधे सभी गुलाब के पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको इसको यूज़ करना है, कौन सा खाद आपको यूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी में इसके खाद को यूज़ करना है। ये देखिए हमारे काफ़ी प्लांट्स हमारी नर्सरी पर अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इन प्लांटों को यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। हमारी नर्सरी पर बहुत सारे इंग्लिश रोज़, देसी रोज़ और बहुत सारे अलग अलग वेराइटी में आपको रोज़ के प्लांट्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको यूज़ करना है और आपको सबसे पहले कौन सा काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारे पौधे की मिट्टी है, इस मिट्टी को आपको गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद ही इन खादों का यूज़ करना है, जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं। इन फर्टिलाइज़र का आपको तभी यूज़ करना है जब आपको सबसे पहले अपने पौधे की गुड़ाई करनी है चारों तरफ। चलिए अब हम पौधे की गुड़ाई करते हैं। किसी भी चीज़ से आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। आप खुरपा या कोई भी चीज़ आप ऐसी ले सकते हैं जिससे हमारे प्लांट्स की गुड़ाई हो जाए। कोई भी आप किसी भी जब भी आप किसी पौधे में फर्टिलाइज़र डालते हैं तो सबसे पहले उसकी पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर लें। गुड़ाई करने से आपके जो पौधे की रूट्स होती हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करने लगती हैं और जो हमारी रूट्स में फंगस लग जाती हैं वो भी फंगस आपके पौधे की ख़त्म हो जाती है और आपके पौधा बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। ये देखिए हम इस तरीके से अपने पौधों की गुड़ाई करते हैं, आप भी इसी तरीके से अपने पौधों की गुड़ाई कर लेनी है आपको, तभी इन प्लांट्सों को तभी आपको ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्सों में यूज़ करने हैं। इसी तरीके से ये देखिए हमने अपने पौधे की गुड़ाई कर ली है, आपको भी इसी तरीके से अपने पौधों की गुड़ाई कर लेनी है। दोस्तों मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ सभी फर्टिलाइज़र आज बताऊँगा कि कितनी क्वांटिटी में आपको इन फर्टिलाइज़र को डालना है और कब कब इन फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, कितने दिन में कौन सा फर्टिलाइज़र आप इन पौधों में यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं। इसकी कर ली है गुड़ाई, करने के बाद हम सबसे पहले अपने पौधों में फर्टिलाइज़र डालेंगे काउडक का। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे काउडक का फर्टिलाइज़र है, इसको हम सबसे पहले यूज़ करेंगे अपने पौधे में। इस तरीके से आपको अपने पौधे में काउडक को मिला देना है। पौधे में आपको 50 से 100 ग्राम आप इसमें काउडक का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम आपके ने पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल देंगे। इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आपको क्या करना है, इसकी मिट्टी जो है इस मिट्टी को इस तरीके से आपको मिला देना है, इससे हमारे पौधे की मिट्टी जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब हम डालते हैं इसमें दूसरा फर्टिलाइज़र। दोस्तों हम दूसरे फर्टिलाइज़र को अब यूज़ करते हैं। जो ये फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे हम पौधे की कंडीशन के ऊपर यूज़ करेंगे, कितना बड़ा हमारा पौधा है उसके अकॉर्डिंग हम इन फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। दोस्तों ये हमारा ये पौधा है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा पौधा है, तो इसमें हम हाफ चम्मच, ये देख सकते हैं हाफ चम्मच हम इसमें रिजेंट फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। ये देखिए रिजेंट का फर्टिलाइज़र है, ये रेड कलर का, जो आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पे मिल जाएगा। और इसमें हम आपको एनपीके खाद, जो हमारा एनपीके जो डाई होती है हमारी, हाफ़ चम्मच हम एनपीके डाई लेंगे, उसको भी हम इसमें मिला देंगे। दोस्तों इन दोनों को मिलाने से ये फ़ायदा होगा हमारे जो प्लांट्स है वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा। और जो ये रिजेंट का फर्टिलाइज़र है हमारा दोस्तों, ये रेड कलर का जो रिजेंट का फर्टिलाइज़र देख रहे हैं आप, ये जो हमारे ये दो फर्टिलाइज़र है हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। और जो ये डाई है हमारी एनपीके, ये हमारे पौधे की मोटाई को बढ़ाती है। और ये जो रिजेंट का फर्टिलाइज़र है ये हमारे पौधे की ग्रोथ जल्दी करता है और इससे हमारे पौधे की हाइट भी ज़्यादा होती है और इससे हमारे पौधे में ज़्यादा ज़्यादा फूल आते हैं और काफ़ी हद तक हमारा पौधे काफ़ी खिल जाता है और हमारे पौधे में बहुत सारे फूल आते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसको डालते हैं। हमें ये ध्यान रखना है हमारे जो पौधे की ये जड़ें हैं, ये रूट्स हैं, इससे हमको बचा के रख डालना है। ये देखिए हम इसको इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे, इसके लाइन के अकॉर्डिंग हमको इसमें डालना है इस तरीके से। दोस्तों ये हमने लाइन इसी वजह से खींची है कि हम जो है इसकी रूट्स हैं इससे बचाकर हमको डालना है। ये देखिए इसकी रूट्स से हमको इस तरीके से इसको बचा के डालना है, इसकी रूट्स में हमको ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र डालना नहीं है। चलिए हम डालते हैं। दोस्तों अब हमने इतना फर्टिलाइज़र इसमें डाल दिया है, ये हमारे पौधे के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमको नहीं डालना। ये देखिए इस तरीके से हम अपने पौधे में इस तरह इतने फर्टिलाइज़र को का यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के बाद हमको इस तरीके से जो हमारी मिट्टी है इसको ढक देना है।
दोस्तों इस तरीके से हम इसको ढक देंगे। ढकने के बाद दोस्तों इसमें हमको वाटरिंग कर देनी है, इसमें हम इसको पानी डाल देंगे। इसमें पानी डालने के बाद हम इसमें छोड़ देंगे दोस्तों। अब हम दूसरे जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करेंगे वो हमको कम से कम इसको डालने के 15 से 20 दिन के बाद या एक महीने के बाद हमको दूसरा फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। ये एक ही बार डालना है दोस्तों। ये जो हमने फर्टिलाइज़र आपको डाल कर दिखाया है ये आपको एक बार डालना है, उसके बाद आपको 10 से 15 दिन या 20 दिन के बाद आपको दूसरा फर्टिलाइज़र इसमें डालना है। चलिए दूसरा फर्टिलाइज़र भी हम बताते हैं किस तरीके से डालना है, लेकिन हम आपको इसमें आप डालकर नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब हम आपको जो आपको इसमें फर्टिलाइज़र डालना है वो 15 से 20 दिन के बाद ही डालना है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये यूरिया है और इसका जो अणु सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है दोस्तों। ये प्लांट्स की हाइट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं प्लांट्स की हाइट को बढ़ाना तो आप इस यूरिया का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत ही तेज़ होता है, आपके प्लांट्स को मार भी सकता है। और इसीलिए आपको किसी भी फर्टिलाइज़र को जब भी यूज़ करेंगे तो आप इसको किसी भी डाई में या ये जो देख रहे हैं ये कैल्शियम, इसमें आपको मिक्स करके ही डालना है। अगर आप 1 kg कैल्शियम लेते हैं तो ये आपको यूरिया जो लेना है ये 1/2 kg यूरिया लेना है, तभी आपको इसमें किसी भी प्लांट्स में यूज़ करना है। ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा होता है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का मिक्स करने के बाद आप इस तरीके से ये जैसे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से मिक्स करने के बाद आप इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। एक प्लांट्स में आपको दोस्तों इतने दाने डालने हैं, इससे ज़्यादा दाने नहीं डालने क्योंकि आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कि काफ़ी है। अगर आपने इससे ज़्यादा दाने डाल दिए तो आपका प्लांट्स मर भी सकता है। तो इसका जो यूज़ करेंगे आप अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, कितना बड़ा आपका प्लांट्स है। अगर आपका प्लांट्स ज़्यादा बड़ा है तो आप इसमें क्वांटिटी इसकी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपका प्लांट्स छोटा है तो इसकी मात्रा को आप कम कर सकते हैं, अगर आपका प्लांट्स ज़्यादा बड़ा है तो इसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। और इसी तरीके से आपने प्लांट्सों में यूज़ करना है जैसे मैंने आपको बताया था। पहला जो फर्टिलाइज़र आपको बताया था किस तरीके से यूज़ करना है, इसी तरीके से आप भी इस अपने फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसको आप किसी भी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, ये वो इंडोर प्लांट्स हों, आउटडोर प्लांट्स हों और चाहे वो रोज़ प्लांट्स हों दोस्त, भी अच्छे से इन प्लांटों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र है दोस्तों। हम जो यूज़ करते हैं इन्हीं फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और हमारे प्लांट्स जो हैं काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखा दूँ ये हमारे प्लांट्स हैं जो, और इनकी जो ब्रांच हैं ये देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांच हैं और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, और इन पर जो फ्लावर्स की बात करें ये काफ़ी अच्छे फ्लावर्स भी आ रहे हैं दोस्तों। हम इन्हीं खाद का यूज़ करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस खाद का यूज़ करना तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं यही फर्टिलाइज़र अपने प्लांटों में यूज़ करते हैं। और आप भी देख सकते हैं हमारे प्लांट्सों का रिज़ल्ट, काफ़ी अच्छे प्लांट्स हैं हमारे और काफ़ी फूल इन प्लांटों पर आ रहे हैं। आप चाहें तो आप भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्लांट्स में दोस्तों। आपको जब भी इन प्लांटों पर यूज़ करें तो आप अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। अगर आपका प्लांट्स छोटा है तो उसमें उसकी मात्रा को कम कर देना है, अगर आपका प्लांट्स बड़ा है तो उसकी मात्रा को थोड़ा बढ़ा लेना है, बट आपको इसी तरीके से इन प्लांटों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।